मेरे मन को जानता है, वो मेरी चाल को जानता है, मेरी सोच को भी वो जानता है, मेरे अंदर उत्पन्न होने से पहले जो सोच है उस सोच को भी जानता है, वो मेरी जुबान को भी जानता है कि मैं किस तरह सा व्यवहार करता हूँ एक दूसरे के साथ, किस तरह से बात करता हूँ। परमेश्वर आपके और मेरे बारे में सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और आपका और मेरा सृष्टिकर्ता भी वही परमेश्वर है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे दाविद दिखता है कि तूने मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों से दूरी से समझ लेता है। परमेश्वर हमारा उठना और बैठना भी जानता है कि हम किन लोगों के साथ संगति करते हैं, क्या हमें परमेश्वर में इंकरेज करने वाले लोगों के साथ हम संगति करते हैं या हमें परमेश्वर से दूर करने वाले लोगों के साथ संगति करते हैं, ये भी परमेश्वर जानता है। वो हमारा उठना और बैठना जानता है, हमारे किस तरह से दोस्त है वो भी जानता है, और हम उनके साथ किस तरह से बैठ के बातें करते हैं वो भी वो परमेश्वर जानता है। वचन में लिखा है मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। वचन में लिखा है कि जब मैं सोचता हूँ कुछ करने के लिए तो दूर से वो समझ लेता है कि ये मेरा बच्चा जो है ये करने वाला है। हे भाई और बहनों, इस तरह का महान परमेश्वर आपका और मेरा है, हमारा उठना बैठना जानता है, हमारे सोच विचारों को जानता है और हमारे हर एक चाल को जानता है, हमारी बातों को जानता है और हमारे कामों को भी वो जानता है। हे भाई और बहनों, अगर हम कोई गलती करते हैं, अगर हम कोई पाप करते हैं, अगर हम किसी का मर्डर करते हैं, अगर चोरी करते हैं, किसी को डुबा देते हैं, तो हम कभी कभी बचने के लिए किसी दूसरे देश में भाग जाते हैं और बच भी जाते हैं। है भाई और बहनों, ये दुनिया के लोग जो है हमें कभी कभी ढूंढ नहीं पाते हैं, ये पुलिस जो है इस दुनिया की ये भी हमें कभी कभी ढूंढ नहीं पाती है। हम अपनी आइडेंटिटी बदल देते हैं, नया नाम के साथ नई शुरुआत कर देते हैं और हम इस दुनिया में जो है बच जाते हैं। है भाई और बहनों, और हमें कभी कभी कोई सजा भी नहीं मिलती है। लेकिन भाई और बहनों, वचन कहता है कि दाविद कहता है, दाविद अपने भजनों में लिखता है कि मैं अगर पाप करूंगा, मैं अगर गुनाह करूंगा, मैं कोई व्यभिचार करूंगा, मैं जा चोरी करूंगा, मैं जा हत्या करूंगा, तो भाई और बहनों, दाविद कहता है कि मैं कहीं भी जाके छुप नहीं सकता हूं, इंसानों से मैं जाके छुप सकता हूं, लेकिन परमेश्वर से मैं कभी भी कहीं भी नहीं छुप सकता हूं। हो सकता है मैं कोई गलती करता हूं, हो सकता है मैं व्यभिचार करता हूं तो शायद कोई नहीं जानता है, हो सकता है मैं चोरी करता हूं तो कोई नहीं जानता है, कोई मुझे पकड़ता नहीं है, हो सकता है किसी के मैंने पैसे चुरा लिए हैं तो किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन भाई और बहनों, दाविद कहता है, दाविद अपने भजनों में लिखता है कि वो हमें देखता है, वो हमें हमारी उसकी नज़र हम पर ही लगी रहती है, हम अपने परमेश्वर से बच के कहीं नहीं भाग सकते। हे भाई और बहनों, दाविद अपने भजनों में लिखता है, अगर मैं कहीं जाकर छुपने की कोशिश करूं तो इंसानों से छुप सकता हूं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुप सकता हूं। अगर मैं गहरे समुद्र में जाके अपना घर बना लूं, अगर वहां जाके मैं रहूं, तो वहां हो सकता है कि मैं इंसानों से छुप सकता हूं, लेकिन अपने परमेश्वर से छुप नहीं सकता हूं। हो सकता है कि मैं पाताल में खोद के धरती के नीचे अपने लिए रहने के लिए घर बना लूं, हो सकता है कि मैं सारी दुनिया के लोगों से छुप सकता हूं, लेकिन दाविद अपने भजन में लिखता है कि मैं परमेश्वर से नहीं छुप सकता हूं। हो सकता है कि मैं जंगलों में चले जाऊं, वहां जाके बच जाऊं, कोई मुझे ना देखे, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें वहां पे भी ना देखेगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर और दाविद अपने भजनों में यह लगता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊंगा, किधर भी जाऊंगा, वहां बस तू ही तू है, हम कहीं भी छुप जाएं, कुछ भी कर ले, सिर्फ परमेश्वर ही वहां पे रहता है। यदि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर को जाऊंगा, या तेरे सामने से मैं किधर को भाग जाऊंगा, मैं तेरी आत्मा से बच के किधर जाऊंगा और तेरे सामने से भाग के मैं कहां जा सकता हूं, कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं छुप सकते हम पाप करके।
क्योंकि परमेश्वर हर जगह पे है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? हम कभी कभी सोचते हैं, कोई गलती करते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद मुझे किसी ने नहीं देखा। हो सकता है किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन परमेश्वर देखता है। हो सकता है आपने चोरी की होगी और आप सोचते होंगे कि मुझे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर देखता है। हो सकता है आपने व्यभिचार किया होगा, आपने सोचा होगा मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर देखता है। हो सकता है आप किसी के लिए बुरे विचार रखते हो, हो सकता है ये विचार करते हुए आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं पकड़ रहा है, लेकिन आपके विचारों को भी परमेश्वर जानता है।